तो ओके गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उसके राइट साइड में जो बेल आइकन है इसे भी प्लीज़ ज़रा इनेबल करें ताकि आप लोग देख पाए मेरे नए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। Hey guys, welcome back to my channel. This is Saisho, your friend, and you watching Tube Tech. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम आपको दिखाएंगे एक गेम पैड का रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग, जो कि बहुत ही बढ़िया गेम पैड है 1000 रुपये के अंदर। हाँ जी दोस्तों, आप भी अगर कोई प्राइस सेगमेंट के अंदर कोई गेम पैड ढूंढ रहे थे जो कि बहुत ही अच्छा गेम पैड हो, डुअल शॉक हो, वाइब्रेशन एनेबल हो, तो ये गेम पैड आप जरूर परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया गेम पैड है, मैं इसको 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और ये गेम पैड आपके एंड्रॉयड, PS3 और PC के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों। तो आप भी अगर इस गेम पैड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रियली 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 सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। दोस्तों, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मेरा कॉलेज को लेकर, जो मेरा कॉलेज है, मेरा पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा चक्कर हो गया था। मैंने जो पहले वाले कॉलेज में एडमिशन किया था उसमें मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कॉलेज अपना चेंज किया, तो इस सारे के चक्कर में, पेपर वर्क के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया और वीडियो नहीं डाल पाया। तो उसके लिए मैम रियली रियली सॉरी आपसे। आपको जैसा पहले वीडियो मिल रहा था आपसे, सेम तरीके से हफ्ते में 1 या 2 वीडियो मिलता रहेगा, तो आप हमारे चैनल के साथ फिर से बने रहिए। तो ये जो गेम पैड है मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है और ये गेम पैड मेरे को बहुत ही सस्ता पड़ा है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये में पड़ा है। तो आप अगर खरीदने जाएंगे इस टाइम में तो आपको थोड़ा सा 1000 के ऊपर भी पड़ सकता है और 1000 के नीचे भी पड़ सकता है, इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है। मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा, अमेजन का भी दे दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया हूँ, तो यहाँ पर जो पैकेजिंग की कंडीशन है फ्लिपकार्ट का, वो हमेशा से अच्छा नहीं आया है। कुछ प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छा आता है, कुछ प्रोडक्ट में एकदम भद्दा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पैकेजिंग बिल्कुल बेकार है, इसका जो बॉक्स का कंडीशन है वो भी एकदम भद्दा है। लेकिन जो अंदर का प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आता है नेटिक जेनेसिस P44 गेम पैड, ऊपर लिखा हुआ आता है वाइब्रेशन डुअल एनालॉग स्टिक्स, उसके साथ साथ और कुछ लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप देख सकते इसका प्राइस लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, लिखा हुआ है 2100 रुपया। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते P44 इसका मॉडल है, इसका लिमिटेड एडिशन है लिखा हुआ आता है, और ऊपर लिखा हुआ आता है वाइब्रेशन डुअल एनालॉग, देख सकते 8-way कंट्रोलर, टर्बो फंक्शन, सभी के सभी फंक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं डुअल एनालॉग मिनी जॉयस्टिक लिखा हुआ है और रबर्ड सरफेस लिखा हुआ है, तो मतलब आपको जो इसका ग्रिप है बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसको कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया हूँ, तो इसका तो हालत लगभग ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं जैसा कि मेरे को सिर्फ इसका यहाँ पर गेम पैड मिला और एक मैनुअल मिला, यहाँ पर कोई CD नहीं मिला है। तो दोस्तों, आपको अगर CD नहीं मिलता है तो आप इसका अगर अलग से इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं मैनुअली नेट से इसका ड्राइवर डाउनलोड करके, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, आप किस कैसे इसके PC में खेल सकते हैं उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका वायर है, तार है, ये तार की लंबाई बहुत ही ज़्यादा है और USB टाइप है, आप इसमें कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते आप, यहाँ सभी के सभी डिवाइस में USB अब सपोर्ट होता ही रहता है, OTG मोबाइल में भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तार भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर है, बहुत ही जल्दी है, कोई ब्रेक नहीं होने वाला। तो यहाँ पर देख सकते मैंने इसका ऊपर का कवर हटा लिया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते इसका लुक, जो मेरा पहले अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है वो मैंने इसका जिस दिन लाया था उस दिन ही शूट किया था, उसके बाद वाला जो ये वीडियो है आप इस टाइम देख रहे हैं ये 2 महीने बाद का वीडियो है। मैंने 2 महीने के पूरा जानदार यूज़ करके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया हूँ, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत ही काफ़ी बढ़िया गेम पैड है, मैंने 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया गेम पैड है, काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन देता है और काफ़ी ग्रिप है, खेलने में काफ़ी स्मूथ है। आप इससे MC5 खेलेंगे या एक्सपर्ट स्ट्रीम, जो भी PC का GTA 5, जो भी बैटलफील्ड, जो जितना भी गेम आता है हाई एंड गेम, सबको खेलेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डुअल शॉक काफ़ी ऑसम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बटन भी काफ़ी टैक्टाइल बटन है, इसका साउंड आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गेम पैड का लुक, तो थोड़ा सा यहाँ पर मेला हो गया क्योंकि 2 महीने बाद वाला वीडियो है जो अभी देख रहे हैं। तो इसका हो गया अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। तो आप
तो आप इसको अगर एंड्रॉयड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके का OTG जो पोर्ट आता है उसको आपको खरीदना पड़ेगा, लगभग 50 रुपये में आपको आ जाता है। तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपके मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिए और बूम आपके मोबाइल पे ये बहुत ही आसानी से वर्क करेगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे रेडमी नोट 4 के साथ वर्क कर रहा है, मैंने S5 के साथ चेक किया, S7 के साथ चेक किया और सभी में अच्छे तरह से वर्क कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने X-Fall Extreme को ओपन कर लिया हूँ, तो इसको खेल के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आप GTA 5 अगर खेलते हैं तो गेम बेड के साथ आपने, तो अगर PC में खेलते, आपके पास अगर PS4 है तो अलग बात है PS3, लेकिन आप अगर PC में खेलते हैं GTA 5 तो आप जरूर से जरूर एक गेम पैड बाय कर लीजिए। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, आपको बिल्कुल PS4 की जैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसका वाइब्रेशन जो है बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, ना कि थोड़ा ज़्यादा ना कि थोड़ा कम, एकदम परफेक्ट वाइब्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और खेलने में इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आप एक बात बता देता हूँ कि आप अगर इस गेम पैड को डायरेक्टली आपके PC के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको इसका ड्राइवर जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको अगर नहीं पता है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका भी वीडियो मैं 2-3 दिन में बना दूंगा, उसे भी आप देख सकते। तो आपको अगर इस वीडियो को देखकर पसंद आया तो जरूर से जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मुझे पता है आपको मैंने वीडियो देर से डाला हूँ, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर से मैं पहले ही तरह का शेड्यूल बना लूँगा, हफ्ते में 2 वीडियो 1 वीडियो डालता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से एक और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पीस आउट।